Hello everyone, my name is Madhav Dusad and welcome to Gyan Shala with Masti. आज मैं आपके लिए Life in the Desert Region का second part लेकर आया हूँ. मैंने आपको पहले part में सहारा डेजर्ट के बारे में बताया था और आज मैं आपको लद्दाख के बारे में बताऊंगा जो एक कोल्ड डेजर्ट है. तो आइए शुरू करते हैं. तो पहले हम जानेंगे कि लद्दाख है क्या और उसकी लैंडफॉर्म क्या है, मतलब वो किससे बाउंडेड है और वो किससे कवर्ड है. तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं. तो लद्दाख का मतलब क्या होता है? तो लद्दाख एक टिबेटन टर्म है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासेस, और ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट में लाए करता है. और लद्दाख एक कोल्ड और माउंटेनियस रॉकी डेजर्ट है, मतलब एक डेजर्ट है पर एक कोल्ड और माउंटेनियस रॉकी डेजर्ट है. और ये ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में लाया करता है और काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में आती है और जस्कर रेंज इसके साउथ में आती है. तो ये काराकोरम रेंज और जस्कर रेंज के मिडल में आता है. और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक हो जाता है. 3000 मीटर हमारे कारगिल के पास होता है और 8000 मीटर हमारे काराकोरम रेंज तक चले जाता है. और जो एवरेज हाइट है लद्दाख रेंज की वो है 6000 मीटर्स. और काफ़ी सारे वहाँ पर माउंटेन पासेज है जो लद्दाख को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और सारी जगह से. और एक बहुत ही फेमस पास है वहाँ पर जो है खारदुंगलक पास. अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की थोड़ी और. तो लद्दाख की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लद्दाख रीजन है और यहाँ पर काराकोरम और यहाँ पर जस्कर रेंज है. तो ये लद्दाख रीजन है. तो ये एक रग्ड माउंटेन टेरेन है जो मतलब बहुत पुरानी भी नहीं है पर वो बहुत रग्ड भी है. और वो वहाँ पर रिवर इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटीज भी जाती है जैसे नुब्रा, श्योक, सुरू और जस्कर. और इन रिवर्स ने बहुत सारी डीप वैलीज बना रखी है लद्दाख में. तो यही है हमारा लद्दाख की ज्योग्राफी. और वहाँ का लैंडस्केप थोड़ा बहुत ड्राई है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, इसलिए वो डेजर्ट की कैटेगरी में आता है. और वहाँ का आप देख सकते हैं लैंडस्केप काफ़ी ड्राई और काफ़ी रॉकी है. और एक लेक भी है लद्दाख में जिसका नाम है पैंगोंग सो लेक, और एक बहुत बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है. अब आप बात करेंगे वहां के क्लाइमेट के बारे में. तो वहां का क्लाइमेट बिल्कुल ऐसा है जहां पर रेन नहीं होती है, तो वो वैसे कोई रेनफॉल रिसीव ही नहीं करते हैं. वहां की एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम है. और जो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेस होती है, जो कोल्ड विंड्स आती सेंट्रल एशिया से, वो यहाँ पर स्नोफॉल लाती है जो यहाँ के ग्लेशियर्स बनाती है. तो ये होता है हमारा उसका क्लाइमेट. अब हम और बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में. तो वहाँ का वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं जहाँ की समर में उनके डेज 30 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं और नाइट में -3 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं. और विंटर में वहाँ के टेम्परेचर्स भी एक्सट्रीम होते हैं. दिन में ही उनका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है और नाइट में वो गिरकर -35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. और मैंने आपको बता दिया कि जो विंड जाती है उनकी वजह से यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है विंटर में. अब हम बात करेंगे वहाँ की वेजिटेशन कैसी है. तो वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होती. तो आपको पता होगा कि अगर वाटर नहीं है तो ट्रीज भी नहीं होंगे. और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉसेस के पैचेस हैं जहाँ पर ऐसे शीप्स ब्रीड करती हैं. और वहाँ पर वो अपना फूड भी लेती हैं, जो भी उनको खाना होता है वो वहाँ पर जाके खाती हैं. और यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेजिटेशन है भी नहीं. यहाँ पर कुछ ट्रीज पाए जाते हैं जैसे विलो, सीडर, एल्म, पॉपलर, सिप्रेस, जुनाइपर एंड यू ट्रीज. और समर ट्रीज सीजन्स में आपको एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट के भी ट्रीज दिख जाते हैं.
अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वहां के जो शॉर्ट समर सीजन होते हैं वहां पर मैरमट्स, बारासिंगा और लिजर्ड्स भी विजिबल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रिएचर है इसको हम मैरमट कहते हैं और ये आप कह सकते हो कि ये बारासिंगा है। और वहां पर कई लिजर्ड्स भी विजिबल होती हैं और वहां पर और भी काफी सारे एनिमल्स मिलते हैं जैसे याक जो इसको टेरेन के लिए बहुत सूट करती है, मतलब वहां के टेरेन के लिए बहुत सूट करती है। और वहां पर काफी सारी शीप्स और माउंटेन गोट्स भी मिलती है। तो वहां की वाइल्ड लाइफ रिच भी है और वहां पर कुछ स्पीशीज के बर्ड मिलती है जो माइग्रेट होके भी आती है और वहां पर कुछ स्पीशीज के डॉग्स भी मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये हमारा खत्म होता है लाइफ इन द डेजर्ट रीजन का पार्ट 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय।